टीवीएस अपाची आरटीआर 162 ही मॉडल शुरू से ही ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है दोस्तों, और ये क्यों पसंद आती है इतनी वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें हैं ना जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, और खासकर इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर मुझे लगता है। डिज़ाइन बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती है और बहुत से लोगों की ये फेवरेट बाइक भी है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले अगर आप लेने वाले हैं 162 ही मॉडल तो आप जान लीजिए कि इसकी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसे काफ़ी बेहतर बनाती हैं, और टीवीएस की ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बाइकों में से एक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इसके सबसे पहली खूबी के बारे में, तो वो BS6 अपडेट के बाद इसमें कंपनी आपको GTT प्रोवाइड करती है, यानी कि ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। अब ये क्या होता है, बहुत से भाई लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बाइक को पहले गियर या दूसरे गियर या तीसरे गियर तक जो है रखते हैं, और अगर आप एक्सीलेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी बाइक बंद नहीं होगी। वो एक जो है एक स्पीड निर्धारित की गई है, उसी के अंतराल पर वो बाइक उतनी स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। तो इसका फायदा क्या होता है कि ट्रैफिक पर अगर आप हैं तो बार बार जो है आपको क्लच का इस्तेमाल, ब्रेक का इस्तेमाल, ब्रेक का तो खैर करना पड़ेगा लेकिन क्लच का इस्तेमाल बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप जो है ब्रेक दबा देते हैं तो बाइक बंद नहीं होगी, जैसे आप ब्रेक छोड़ते हैं तो GTT की वजह से बाइक जो है वहीं से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि बाइक ना बंद होने की वजह से ट्रैफिक में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फीचर लगता है और सारी कंपनियों को इस पर काम करना चाहिए। ये आप रियलाइज़ करते होंगे कि अगर आपके पास बाइक है, अगर आप दूसरे गियर पे या तीसरे गियर पे हैं, और अगर आपकी बाइक जो है अचानक से आप ब्रेक इस्तेमाल करते हैं और अगर आप डाउन शिफ्टिंग नहीं करते हैं या फिर क्लच नहीं दबाते हैं तो आपकी बाइक जो है थोड़ा से धक्के खा के बंद हो जाती है, वो चीज GTT की वजह से यहां पे अपाची RTR 162 ही मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मुझे इसका सबसे पहला एडवांटेज लगा। बात करते हैं इसके दूसरे एडवांटेज की, तो वो इसके राइडिंग पोजीशन को लेके है। ये एक शॉर्ट राइडर जो होते हैं जिनकी हाइट 5.5 होती है या फिर 5.5 से भी कम होती है, 5.4, 5.3, 5.2 ये होती है ना, उनके लिए भी अपाची RTR 162 ही मॉडल परफेक्ट बाइक है। मतलब वो भी इसे अच्छे से राइड कर सकते हैं, हाइट को लेके कोई इशू नहीं होता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट से भी ज़्यादा है, तो भी आप इसे अच्छे से राइड कर पाएंगे। अब बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये लगभग सभी हाइट के जो लोग होते हैं उनके लिए एक परफेक्ट बाइक मानी जाती है। दोस्तों बात अगर इसके अगले एडवांटेज, अगले खूबी की करें तो वो इसके कलर स्कीम को लेके है। मतलब मैं पर्सनली बात करूं तो जो अपाची की जो कलर स्कीम्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, मतलब आप लाल लेना है कि आपको काला लेना है कि आपको नीला लेना है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे कलर को लेके। अगर आपको देखनी है इसकी कलर की वीडियो तो यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैंने इसके कलर की पूरी वीडियो बनाई है जिसमें जितने कलर अभी तक कंपनी प्रोवाइड करती है BS6 में, वो सभी कलर आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके अगली खूबी की, तो वो ये है इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है ना वो मुझे बहुत पसंद आता है। अगर 15 फीट की रोड है तो अगर आप, मैं बात करूं मेरे पास NS160 है, तो अगर मैं उसकी टर्निंग रेडियस की बात करूं तो जब मैं उसको मुड़ाता हूं तो मुझे एक बार बाइक को अपने पीछे करना पड़ता है तभी मैं पूरी तरह से मुड़ा पाता हूं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो अपाची RTR 162 ही मॉडल है उसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, आपको एक ही बार में पूरी बाइक जो है मुड़ जाएगी, आपको जो है बार बार रिवर्स वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है और हैंडलिंग इसकी मुझे बहुत पसंद आती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट हैंडलिंग है, तो मतलब आपको ऐसे फैल के नहीं पकड़ना है, काफ़ी कॉम्पैक्ट की वजह से आपको जो सिटी राइडिंग है वहाँ पर भी बहुत हेल्प मिलती है, और जो रूरल राइडिंग होती है, ऑफ रोडिंग वगैरह होती है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों बात अगर इसके अगली खूबी करें तो वो इसके माइलेज से रिलेटेड है। इसका माइलेज काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, जो ये BS6 के पहले थी, मतलब जब इसमें FI नहीं मिलता था, कार्बोरेटर मिलता था, उस वक्त भी इसमें आपको लगभग 45 का माइलेज मिल जाता था, और अभी जो है FI होने की वजह से नो डाउट आपको 45 प्लस का माइलेज इसमें देखने को मिलेगा। तो ये पांच ऐसी खूबियां मुझे सबसे बेहतर लगती हैं अपाची RTR 162 ही मॉडल में। इसके अलावा भी अगर कोई खूबी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID DavidRahulGR पे हमें फॉलो करके वहां पे हमें बता सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे जो है सवाल वगैरह पूछ सकते हैं या फिर उसके बारे में बता सकते हैं। अगली वीडियो में तैयार रहिएगा क्योंकि अगली वीडियो में हम इसकी बुराई करने वाले हैं और वो सारी कमियां बताएंगे जो हमें देखने को मिलती हैं 162 ही मॉडल में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब भी चलिए हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करिए। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।